नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं आरके जायसवाल, मैं मौजूद हूँ पीतमपुरा के राजधानी इलाके क्षेत्र में, जहाँ पे बलभद्र पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। उस काम को बिना किए हुए नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा ये सब परिवार है, हम इसके लिए जीते हैं। वो हमारे तरफ निगाह है, उसकी अच्छे काम को देखने का काम कर रहा है, तो कोई आदमी कुछ बोले अलबल उसे काम नहीं चलता। आज का दिन बड़ा पुण्य का दिन है। इस कोरोना काल में भगवान बलभद्र जी की पूजा की इस समाज के लोगों ने, जिनके वंशजों ने, और अपने भगवान से, अपने वंशज से कि हम आपके वंशज हैं और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, ये बलभद्र भगवान आप ऐसी कृपा करें, अर्जुन सहस्त्र नाम से दोनों प्रभुओं से इस समाज ने विनती की, विश्व के लिए की, जनमानस के लिए की। ऐसा समाज बहुत कम मिलता है और ये जो है उस भगवान की कृपा है जो इनके ऊपर ऐसी बुद्धि की छाया दी हुई है। आज दिन बहुत अच्छा है और भादों के महीना में बलभद्र सहस्त्र भगवान का पूजा होता है। ये पूजा भगवान को भी करते, साथ में समाज जोड़ने का काम किया जाता है कि हमारे समाज के जो भी लोग हैं एकत्रित होते हैं। तो हम लोगों ने आज इस मंच से नारा दिया है कि कलवार समाज, जायसवाल समाज और बैस्य समाज, सारा बैस्य इकट्ठा हो, तब हमारी शक्ति बनेगी, हमारी ताकत बनेगी। बैस्य को जोड़ना, अपने जायसवाल समाज को जोड़ना, ये हमारा संदेश है। आज हम लोग बलभद्र और सहस्त्रबाहु अर्जुन की पूजा किए हैं, वो हमारे कुल देवता हैं। हम लोग एक संघर्षशील समाज से निकले हैं और अब बहुत तरक्की भी कर रहे हैं। मैं खुद MBA HR हूँ और मैत्री संघ में भी हूँ, BJP में भी हूँ। समाज के बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तो यही सब संदेश लेकर हम लोग आगे अपनी जो पीढ़ी है उनको बताते हैं कि देखो हमारे कुल देवता ये थे, आगे तुम भी इसको जारी रखो। इसीलिए आज कोरोना काल में भी हमने कष्ट उठा करके ये पूजा किया है।